सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आज श्री अरुण पाटिल जी द्वारा भगवान का पूजन हो रहा है। श्रीमद् भगवद् गीता का यहाँ पाठ चल रहा है। श्री अरुण पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी गीता पाटिल जी द्वारा प्रथम पूजन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते व्यास विशालाय कुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र दीनद्वया भारत देवपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयोदीपः। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय गुरुदेव। गोमाता की जो गौशाला है वहां से भी माँ जी आई है और वो भी बहुत स्नेह करते हैं गोपाल जी को। इनके यहाँ भारतीय नस्ल की देसी गाय है। जय श्री कृष्ण। हमारी श्री सत्यनारायण जी जिनके सानिध्य से यहाँ देव देवेश्वर महादेव मंदिर में हम लोग उनके आशीर्वाद से बैठते हैं। आइए भगवान की मंगल गई आरती करेंगे। आपने जय जय नवल किशोर जय हो आइए भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। भक्त की माला भी वहां माता जी को पहना के आ जाएंगे या भगवान शिव जी को। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए भगवान की दिव्य श्रीमद् भगवद गीता की आरती। आप लोग अपनी अपनी गीता जी ले लीजिएगा और गीता जी के अंतिम अध्याय के पास में गीता जी की आरती। कैमरे के पास ना आए। जय भगवत की जय ओ मैया। जय भगवत की जय हरि की कमल बिहारी करुणी कमल बिहारी सुंदर सुपनी के ओम जय भगवत की जय।
शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर मनोजवं भारत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता बलिष्ठं वाताभजं वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये भक्त भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम एक इन सबके पद वंदन की नाशक विघ्न हने प्रेम से बोले भगवत्सल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री सीताराम जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान देवेश्वर महादेव की समस्त संतन भक्तन की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की स्थान देवता की ग्राम देवता की कुल देवता की कुल देवी की समस्त तीर्थों की गंगा यमुना सरस्वती की 18 पुराणों की श्रीमद् भगवत गीता की श्री रामचरितमानस की समस्त वेदों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे चल रहा है फिर से बोलिए जय श्री राधे। हाँ गोद में अपनी अपनी गीता को गोद में रखना चाहिए आगे नहीं रखना चाहिए अथवा आगे रखे तो कुछ आसन बिछा लो गीता जी के लिए कोई बैग हो ठेला हो भगवान हो शास्त्र को नीचे नहीं रखना चाहिए। तो मेरे लड्डू गोपाल श्री राधा वल्लभ जी की प्रेरणा से आपकी नगरी लखीमपुर में श्री देव देवेश्वर महादेव मंदिर में ये हमारा तीसरा चौथा कार्यक्रम तीसरा ही चौथा दो कथाएं हो चुकी है पहले एक हमारे शिष्य की हुई थी और ये इस हिसाब से तीसरा और चौथा हमने कहा। कुछ लोगों के मन में होता है कि गीता जी में राधा रानी का नाम नहीं आया श्री कृष्ण भगवान की प्रिय तो राधा रानी है। ये प्रश्न एक जज साहब ने आकर के हमारे गुरुदेव बरसाने वाले परम पूज्य रमेश बाबा जी से किया बोले अभी कुछ दिन यहां रहो सत्संग करो तो पता लगेगा। तब भगवान के प्यारे दुलारे संत शिरोमणि श्री रमेश बाबा जी ने कहा कौन कहता है श्री राधा रानी गीता जी में इनका वर्णन नहीं आया बोले आता है कहा नहीं है वर्णन राधा रानी जहां से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय से बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में जब भगवान का नंबर आता है देखिएगा तो उसमें लिखा श्री भगवान वाच वाच माने बोल रहे हैं कौन भगवान भगवान के आगे क्या लगा हुआ है बताइए पंडित जी श्री ये श्री ही तो राधा रानी है श्री किसके लिए लगता है यही है श्री जी राधा रानी श्री भगवान वाच नहीं तो खाली इतना कहते भगवान वाच कृष्ण उवाच और इतना नहीं जहां पे गीता जी समापन हो रही है 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखिए चलिए लास्ट के दो पन्ने खोल करके तो जिनके मन में संदेह है वो संदेह हमारे गुरुदेव के वचनामृत द्वारा मैं हटाना चाहूंगा। 18वें अध्याय का 78वां अंतिम श्लोक क्या लिखा है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र माने जहां श्री भगवान कृष्ण जी हैं और कौन है यत्र पार्थो धनुर्धरः जहां अर्जुन है
अथवा तो अर्जुन जैसा भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान है भगवान का भक्त है, अर्जुन का मतलब है भक्त, वो भक्त आप भी हो सकते हैं। ये हुआ पहली लाइन का। और दूसरी लाइन कह गया तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर भगवान, वहां श्री है, श्री कौन है, राधा रानी है, आगे भी राधा वहां श्री जी है, हमारे वृंदावन में और अयोध्या में राधा जी और सीता जी को प्यार से श्री जी कहते हैं, श्री जी इसलिए श्री कौन है, जहां श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का भक्त है, वही तो कहा है श्री जी है वहां। तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर भगवान, ऐसा मेरा मत है संजय बोल। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, फिर से बोलो राधे राधे। तो ये आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और अपनी राधा रानी को पुकारते हैं। ओ राधा रानी कृपा बरसाओ, दर्श दिखलाओ, मैं तेरी हूँ शरणी। राधा रानी कृपा बरसाओ, दर्श दिखलाओ, मैं तेरी हूँ शरणी। ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। राधा रानी राधा रानी राधा रानी कृपा बरसाओ, दर्श दिखलाओ, तेरे ही अधीन कन्हैया, राधा रानी के अधीन है कन्हैया, मनमोहन मुरली का बजैया, मेरे ही राधे मेरे ही ये रस बरसाओ, दर्श दिखलाओ, मैं तेरी हूँ शरणी। राधा रानी कृपा बरसाओ, दर्श दिखलाओ, मैं तेरी हूँ शरणी। बोलो राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। कहते वृंदावन के वृक्ष पर मरव न जाने कोई, राधे राधे होई, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गीता नियारी राधा 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 श्री राधा, कथिया की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम वृंदावन वालों की प्यारी श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो हम वृंदावन वाले एक बार तो राधा रानी को बोल सकते, कल हम लोगों ने 6 अध्याय कराए थे, कल कितने अध्याय हुए थे, 6 हुए थे। आइए विलंबना करते हुए पहले महात्म्य पढ़ेंगे और फिर 7, 8, 9, 10 देखते हैं जहां तक गोपाल जी चाहेंगे, 10 तक हो जाए तो अच्छा है, 11 हो जाए तो और अच्छा है, फिर कल कथा को पूरा कर देंगे और कल कथा का विश्राम हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। पन्ना नंबर 11 पढ़ लीजिए। चलो देखिए पहले गीता जी को पूरा लीजिए। बोलिए ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद् गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्र विदं पुण्यम् यः पठेत् प्रियतम कुमार विष्णु पद्म वाप्नोति भय शोक आदि वर्जितः। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्मतानि च मल निर्मोचनम् पुंसा जल स्नानम् दिने दिने सकृत गीता वसिस्नानम् संसार बल नाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा गिरीशता भारतामृत सर्वस्वम् विष्णुर्वक्ता गिरीशतम्। गीता ग्रंथोद्गमित्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये भारत में जरूर पढ़ना चाहिए पाठ पढ़ने से पहले। इसमें गीता जी की महिमा है और इसमें सबसे जो आखिरी श्लोक है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। बोलो एकम शास्त्रम। पूरी दुनिया में एक ही ऊंचा शास्त्र है। बोले कौन सा? बोले देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र कौन है? कृष्ण जी। उनका गीत क्या है? गीता। सारे गीतों में आप लोग गीत गाते हो, फिल्मों के भी गीत गाते हो और जब शादी ब्याह रात होती है तो लौकिक गीत भी महिला संगीत में गाए जाते हैं। सबसे अच्छा गीत है गीता जी पाठ। ये भगवान का गीत है और एक ही देवता है दुनिया में सबसे बड़े। एको देवो देवकी पुत्र देवा। ये जो देवकी का छोरा है ना नंद बाबा का लाला यशोदा का छिया हमारे वृंदावन में छैया कहते थे और गोपियां गाती हैं यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे कदम के नीचे कदम के नीचे अरे मुरली बजाए जा कदम के नीचे रस बरसाए जा कदम के नीचे यशोदा के छैया। अरे पीछे भी देख लिया करो बोले वाले भक्तों हमें बीच में तो बोलना पड़ता है लेकिन अब तो बोलेंगे तब तो पता ही महाराज जी अपने आप से भी दोस्त बनाते हैं। इतने भावनी मत हो कि एक बार एक संत किसी के यहाँ भोजन करने आए और उसने थाली लगाई और जैसे परोस रही थी तो भाव भाव में जय गुरुदेव करती हुई वो खीर सारी गुरु जी के ऊपर डाल दी। तो भाई इतने ऊंचे भाव में मत हो कि आस पास कहीं गोपाल जी लुढ़क जाए गीता जी गिर जाए थाली लुढ़क जाए या भगत लुढ़के फिरे कहीं गीता जी ना लुढ़क जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। भक्ति मस्ती के साथ प्रेम के साथ आनंद के साथ रस लेना है। भक्ति कोई बोझ नहीं, भक्ति सत्संग कोई भार नहीं है। इसे तो कोई स्वाद लेते लेते आनंद लेते रहे इसको स्वीकार कर। तो मैंने इस कथा की कोई लास्ट की डेट नहीं लिखवाई। मैंने कहा जब तक हमको भक्तों का भाव दिखाई देगा तो हम करेंगे, जब भाव खत्म हो जाएगा तो हम तुरंत ही ओम जय जगदीश हरे। 7 दिन भी नहीं 5 दिन भी कर देंगे 4 दिन भी कर देंगे। और आप लोगों का भाव अगर अच्छा लगे आपके अंदर प्यास हो गीता ज्ञान की क्योंकि गीता के लिए शर्त है। क्या शर्त है? पहले ये श्लोक पूरा करो।
एक ही शास्त्र है गीता का शास्त्र, एक ही देवता है देवकी का बेटा, एक ही मंत्र है देवकी के बेटे के नाम जितने, और एक ही सेवा है देवकी के बेटे कन्हैया कृष्ण हरि के लिए, सब करिए कार्य करो। हेतु जो भी माँ उस पर युद्ध छे, युद्ध भी लड़ रहा लो कन्हैया के लिए लड़ लो, पास पड़ोस में लड़ाई करोगे तो वहां पे कन्हैया का नाम मत लेना। आजा बहन तू छोटी सवाल, मैं तो गीता सीख के आई हूँ। अरे नहीं गीता जी तो लड़ाई बंद करवाती है, बोले पंडित जी ने कहा था गुरु जी, वो तो अर्जुन को कह रहे हैं माँ अनुष्का युद्ध से, उनके सामने युद्ध जैसा दुष्कर कर्म था, आपके लिए तो संसार की घर गृहस्थी का कर्म है, तो आप अपनी उसी गृहस्थी को भगवान की गीता का अध्ययन करते हुए आनंद से पूरा कीजिए। अब चलिए गीता जी के 18वें अध्याय में, देखो पहले ना महत्व बताना चाहिए तब गीता पढ़ानी चाहिए ताकि आप लोगों की समझ में आए। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में ही चलना है, आखिर के श्लोकों में चलिएगा। श्लोक संख्या 69, आज ना 69, चलो 68 से पढ़ लो। जो पुरुष या इमं परमं मूल्यं मद्भक्तेश विदास्यति भक्तिमयि परा कृत्वा मामे नेशत संसे, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, कितना प्रेम, थोड़ा बहुत के काम चाचा भतीजा और उनको भी समय पूरा का पूरा दे दिया, और भगवान के से थोड़ा सा नहीं थोड़े से नहीं परम प्रेम, एक बात मैं ही प्यारा लगूं, ऐसे आप प्रेम करके जब गीता पढ़ोगे तो भगवान साक्षात दिखाई देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे ऊपर का देखिए 67, बोलो इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रुवे वाच्यम न च वाम योभ्य सूयति। इसका मतलब क्या है, भगवान आदेश और डांट रहे हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं तुझे, ये गीता रूपी शास्त्र ऐसे उपदेश किसी भी काल में काल वाले समय में न तो तपस्या रहित को देना चाहिए, अर्थात जो तप करता हो तब भी अनेक प्रकार के बताए अध्याय बताएंगे, वाणी का तप, आंखों का तप, मुख का तप, हाथों का तप, जो तपस्वी हो ऐसे किसी भक्त को ही गीता सुनानी चाहिए, तप रहित मनुष्य को कहना नहीं चाहिए, और जिसके अंदर भक्ति ना हो जबरदस्ती बिठा रहे हो उसको, भैया बैठो गीता सुनो गीता सुनो, नहीं नहीं, नहीं।